मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? या आप पीछे साइड में खेत देख पा रहे होंगे, ये पुश्तैनी ज़मीन है। हमारे जो नाना जी हैं, लगभग 50-60 सालों से यहाँ पर उनका कब्जा है और लगातार यहाँ पर खेती कर रहे हैं। आप देखेंगे दोनों तरफ कुछ हमारे नाना के ही पारिवारिक लोग हैं जो दबंगई और तमंचे की नोक पर गुंडैती करते हैं। यकीन मानिए, मैं ये सब पे बहुत कम ध्यान देता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें रिश्तेदारी में ना हो, लेकिन अगर दबंगई से कोई काम अगर हो तो हर कोई, क्योंकि कारण है ना, वो सोचते हैं कि हम तो कोई है ही नहीं, वो सिर्फ अपने पैसों पर फूलते हैं और सिर्फ तमंचाबाजी, गुंडैती करना, ये सब उनके पास कार्य है। आपको बता दें कि ये देख रहे होंगे, ये दबंगई से रातों रात खेत काटा गया और बताया गया कि इसमें हमारा नाम आ रहा, ये वो दुनियादारी। सवाल इस बात का बनता है कि भाई 50-60 साल से जब तक ये खेती जोती जा रही थी नाना की तरफ से, तब तक क्यों नहीं इस पर इन्होंने किया गुंडैती? जब नाना जी ने हमारी मम्मी को दे दी जमीन, और वो इसलिए दे दी क्योंकि हम लोग लगातार नाना की सेवा कर रहे हैं, जो कि आज भी वो मौजूद है, हालांकि चलने की स्थिति में नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि उनका भी वीडियो मैं आपको दिखा सकूं। तो यकीन मानिए कि जो व्यक्ति सेवा करेगा उसी ही तो मेवा मिलेगी ना यार। ये परिवार के लोग सोचते हैं कि हाँ, कूड़े के भाव हमको मिल जाए और जब हम ऐसे दबंगई करेंगे तो हमको मिल जाएगी। इनको ये अंदाजा नहीं है कि हम एक बित जमीन आपको देने वाले नहीं है। और हालांकि मैं एक दो बार हमारे घर वाले थाने पे भी पहुंचे तो वहां से सीधे टहला दिया जाता है SDM के लिए, लेखपाल के लिए। वहां पे भी पहुंचो तो वहां पे यही होता है कि कोई कोई सुन रहा है तो कोई नहीं सुन रहा, ये कहानी चल रही है। ये मामला है कानपुर देहात, गांव मटेरा पड़ता है, वहाँ की ये खेती है। आप लोग पीछे देखेंगे, दबंगई से पीछे देखेंगे, आधा काट लिया गया है। और अपन आप लोग बताइए कि आप, मतलब अपने अधिकार के लिए मैं ना लगूं? जब मैं दुनिया के लिए काम कर सकता हूँ तो क्या मैं अपने लिए नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, लेकिन बहुत दूर तक सोचना पड़ता है सिर्फ रिलेशन को लेकर के, कि रिश्तेदारी ना खराब हो। और ये लोग लगातार गुंडैती कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि गुंडैती कहाँ तक चलेगी। इस गुंडैती का भी अंत जरूर होगा और हम आपको कुछ गवाह से भी बात करा दे रहे हैं। इन्हें भैया का साल जो थी, अरे हम बता रहे कि ये झुके झुके बाबा आते, भगवान पिता आते, सबके जोड़ते गंदवा गड़वा ये सब जो थे। कम से कम 25-30 साल ज्यादा, कम से कम 30-40 साल है। ये 40 साल तो कम नहीं है, तुम बराबर झुके तो इनने जैसे इनने पटौती उठाओ, इनने जबरदस्ती नहीं जोत दो, हमें कोई सोचना नहीं। हमें कोई खबर सुशील को फोन आ रहा है तो तमंचा का दिखा दो दादा। अंजन का है, अंजन डर दो बोल, हमने करा रास्ता, हमने खान पुरा तो हमने दे, तो बताना चाहिए था ना योगी बाबा सरकार, इस समय डंडा डाल दिया जाए।